ब्रॉट टू यू बाय ZX कॉफ सिरप। एक्सेड नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले पर आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। आखिरकार वही हुआ जिसकी मांग इस पूरे कांड में समाजवादी पार्टी लंबे समय से कर रही थी। मामले में पुलिस ने DNA सैंपलिंग करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट से परमिशन के बाद पुलिस आरोपी मुईद खान और राजू खान का DNA टेस्ट करवाएगी। इसी के साथ KGMU में इलाज के लिए भर्ती पीड़िता के गर्भ का भी सैंपल रख लिया गया है। साथ ही आरोपियों के भी DNA टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया गया है। वहीं अब इस पूरे फैसले से समाजवादी पार्टी खुश नजर आ रही है। सपा की इस पूरे मामले पर पहले से मांग थी कि DNA टेस्ट होना चाहिए। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव कई मौकों पर घिरते भी नजर आए, लेकिन अब जब DNA सैंपलिंग की कार्रवाई शुरू हो गई है तो सपा इस फैसले से सहमत है। सपा प्रवक्ता पूजा शुक्ला का कहना है कि अब हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद जब DNA टेस्ट होगा तो उसमें BJP पीड़िता को न्याय दिलवाएगी, न कि घटना पर राजनीति करेगी। जैसा कि ज्ञात हुआ है कि अयोध्या के प्रकरण में दोनों ही पक्षों का DNA सुरक्षित कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही ये मांग कर रही थी कि DNA टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि DNA टेस्ट ही एकमात्र रास्ता है जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ने का। और अब हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद जो DNA होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी पीड़िता को न्याय दिलाएगी, ना कि उस घटना का राजनीतिकरण करेगी। लगातार भाजपा उस घटना का राजनीतिकरण करती आ रही है, लेकिन अब कोर्ट के निर्देश के बाद हम सबको ये उम्मीद और आशा है कि असल दोषियों को पकड़ करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अयोध्या रेप के मामले में DNA सैंपलिंग कराने की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है, जहां एक तरफ अयोध्या में CMO के निर्देश पर अयोध्या जेल में बंद दोनों ही रेप के आरोपी मुईद खान और राजू खान के DNA ले लिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के क्वीन मैरी अस्पताल में भर्ती पीड़िता के भी रूप का DNA लिया जा चुका है। अब अदालत से जांच अधिकारी परमिशन लेगा और उस परमिशन के बाद आरोपी और पीड़िता का DNA सैंपल कराया जाएगा और DNA सैंपलिंग से तय हो जाएगा कि आखिर अयोध्या रेप केस का असली गुनहगार कौन है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।